अभी हमारे पास नेक्स्ट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, ठीक हो गया। अब सुपर ट्रेंड पर आप कहां पर ट्रेड लोगे, जहां पर आपको जबरदस्त किस्म की ट्रेड मिलती है। सुपर ट्रेंड में ज्यादातर हमें ट्रेड्स मिलती है ट्रेंड की रिवर्सल की, कि ट्रेंड कौन सा हो गया है। इसमें ज्यादातर जगह पर आपको ट्रेड मिलेगी, ठीक है। पहले आपने देखना है कि ट्रेड जो ट्रेंड है कौन सा है मार्केट का। अभी यहां पर ट्रेंड कौन सा है, बियरिश ट्रेंड चल रहा है इस टाइम में। इसमें सिर्फ आपको इस टाइम अभी बुलिश है, इसमें आपको सिंपल रूल्स का पता चलता है। अगर मार्केट की जो सुपर ट्रेंड लाइन है ये लाइन रेड हो, इसका मतलब बियरिश ट्रेंड है, और बियरिश ट्रेंड में हमेशा डाउन की ट्रेड आपने लेनी है, अप की ट्रेड नहीं, ठीक हो गया। और रेजिस्टेंस लेवल से लेनी है। एंड जब ये लाइन हमारे पास ग्रीन हो जाए, उसका मतलब कि अब ट्रेंड बुलिश हो चुका है। सो हमने सिर्फ सपोर्ट लेवल पर ट्रेड लेना है एंड बुलिश ट्रेड लेनी है, डाउन की ट्रेड हमने स्किप करनी है। सो सिंपल इसका ये रूल होता है, ठीक है, कि इस पर हम ट्रेड इस तरीके से इसकी हेल्प लेंगे कि ट्रेड जो है हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है या नहीं। अभी इस पर अक्सर टाइम में आपको पता चला यहां पर लाइन ग्रीन हो गई, तो अभी आप बुलिश के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक हो गया। अगर ये जो लाइन होती है ये आपके पास रेड होगी, तो इसका मतलब कि ये आपको सिंपल बता रही है कि आप क्या करो, बियरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, जहां पर फिर आप बियरिश की ट्रेंड ढूंढोगे। सिंपल ये होता है। बुलिश ट्रेंड पर जहां पर भी हैमर बनेगा, इन्वर्टेड हैमर बनेगा, अब की शुअर शॉट। बियरिश ट्रेंड में जहां पर शूटिंग स्टार बनेगा, जिस तरह हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस लेवल पर डाउन की शुअर शॉट। इससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन ज्यादातर मिलती है। दूसरी बात, ये जो हमारे पास होती है ये लाइन, ये सुपर ट्रेंड लाइन हमें एसएनआर लेवल ड्रॉ करके देती है। सो एसएनआर लेवल पर हम क्या करते हैं, एसएनआर लेवल पर सिंपल हम ये करेंगे कि जब मार्केट आएगी और आपकी ये लाइन है ये एसएनआर लेवल हो गई, इस पर परफेक्टली क्लोजिंग करेगी। सो नेक्स्ट कैंडल हमारा अपोजिट के डायरेक्शन का श्योर शॉट हो गया, एक स्ट्रेटजी ये हो गई। या यहां से रिजेक्शन लेकर अभी ये ट्रेंड बियरिश ट्रेंड है ना, इस लाइन पर इसने शूटिंग स्टार बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इज ए रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस की लाइन है ना। जब रेजिस्टेंस की लाइन है शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट हमारी डाउन की डायरेक्टली श्योर शॉट होती है। इसी तरीके से अगर ये बुलिश ट्रेंड हुआ, यहां पर देखो ये बियरिश ट्रेंड में है, इज ए रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, यहां से रिजेक्शन लेगा हम अपोजिट श्योर शॉट लेंगे, या एक परफेक्ट ट्रेड की क्लोजिंग होगी यहां पर, तब हम अपोजिट श्योर शॉट लेंगे। ये देखो इस लाइन पर मैंने रखा, यहां पर प्रीवियस देख लो, एसएनआर लेवल ड्रा कर रहा है ना, एसएनआर लेवल ड्रा करके हमें देता है खुद बहुत, वो भी स्ट्रांग और वेरी स्ट्रांग एसएनआर लेवल, नॉर्मल एसएनआर लेवल ये ड्रॉ करके नहीं देता। अगर अब इसमें बुलिश ट्रेंड हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है और बुलिश ट्रेंड में इस लाइन के ऊपर हैमर बना, जब बुलिश ट्रेंड है तो ये लाइन सपोर्ट एरिया के एसएनआर लेवल है, तो जब हैमर बनेगी नेक्स्ट कैंडल कहां जाएगी, डायरेक्टली बुलिश की शुअर शॉट। सिंपल सुपर ट्रेंड हमें ये आइडेंटिफिकेशन करके देती है। दूसरी बात ये कि जब ये मार्केट ट्रेंडी होगा, अभी ये रूल अप्लाई इसमें होगी साइडवेज जिगजैग मार्केट में, अगर मार्केट बैक टू बैक ट्रेंडी होगा फिर आप इसके एसएनआर लेवल से इसको यूज करने की बजाय ट्रेंड लाइन ड्रा करके यूज करोगे, ठीक हो गया। अभी अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन करके आपने यूज किया और बैक टू बैक ट्रेंड्स चल रहे थे, फिर आप क्या करोगे, जहां पर आपकी ये ग्रीन लाइन जिस कैंडल के साथ रेड हो गई, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया यहां पर, सो नेक्स्ट कैंडल उसी रेड की डायरेक्शन की श्योर शॉट लेनी है। ये रेड हो गया इस कैंडल के साथ, ये लाइन यहां आई डाउन की श्योर शॉट। अभी यहां पर इस लाइन का यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ये लाइन रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुई, मतलब ट्रेंड बुलिश हुआ। सो नेक्स्ट कैंडल बुलिश ही का आप शुअर शॉट अटेंड करोगे, थर्ड कैंडल के ऊपर जाओ, थर्ड कैंडल पर जाकर आप ट्रेड लोगे अगर मार्केट
ट्रेंड ही हुआ, जिस तरह ये ट्रेंड है बैक टू बैक दिखाई दे रहा है, साइडवे जिगजैग मार्केट में नहीं, ओनली ट्रेंडी मार्केट में ये ट्रेड आपकी विन होगी और 100% विन होगी। अगर मार्केट साइडवे हो गया, जैसे यहाँ पर साइडवे मूवमेंट है, साइडवे मूवमेंट है ना, एक कैंडल बनी, यहाँ पर आपकी ट्रेड शुअर शॉट नहीं होगी, अपोजिट कैंडल बनेगी। अगर साइडवे वगैरह मार्केट हुआ, आप अपोजिट की भी शुअर शॉट लगा सकते हो, ठीक है, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अभी ये मार्केट यहां से ट्रेंडी हुआ, कलर चेंज हुआ, नेक्स्ट बुलिश की शुअर शॉट, यहां पर मार्केट साइडवे है, ट्रेंडी नहीं है, साइडवे हुआ, कलर चेंज हुआ, गैप अप, रेड तो बनी बट ऊपर गई है नेक्स्ट कैंडल, शुअर शॉट लगी है बट गैप था, क्यों, मार्केट साइडवे है और ये स्ट्रेटेजी साइडवे के लिए नहीं बनी है। यहां से देखो बैक टू बैक बुलिश जा रही है, ट्रेंडी अब गई नेक्स्ट बुलिश की शुअर शॉट, यहां पर मार्केट जिगजैग साइडवे है, टोटल एक कैंडल ही डाउन लगा है, नेक्स्ट अपोजिट शुअर शॉट, सिंपल। ये थी हमारी सुपर ट्रेंड की इंडिकेटर, जिसको हम यूज करके इस मेथड से प्रॉफिट उठाते हैं।